मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मात्र एक महीने में अपने चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाया है। और सबसे पहले आप इनकी वीडियो को देखिए, यहाँ पर इस टाइप की वीडियो, यहाँ पर आप देख रहे हो, इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलती हैं। लेकिन अब इस टाइप की वीडियो बनाया कैसे जाए, कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे ये वॉइस डबिंग करते हैं, कैसे ये वीडियो को फाइंड करते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको सबको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपके चैनल का क्या नाम है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे आने का मौका दिया। और मेरा नाम है लक्ष्य गायरी और मैं MP के मंदसौर ज़िले के नगर परिषद बेसुदा में रहता हूँ। और मेरी स्टडी की बात करें तो मैं 11th में स्टडी करता हूँ। अच्छा, तो आपका ये 2 मिलियन सब्सक्राइबर कितने महीने में हुआ था पूरा? मेरा 2 मिलियन सब्सक्राइबर करीबन 1 मंथ में कंप्लीट हो चुका था। मतलब यार, ऐसा कौन सा आप लोग जादू चला देते हो यूट्यूब पे कि मतलब पूछो ही नहीं, सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। एंड आपकी जो वीडियो है और आपका जो बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो उससे पहले आपकी अचीवमेंट के बारे में कि कैसे आपने चैनल को ग्रो किया है, उससे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप यूट्यूब के साथ अभी क्या करते हो? मैं यूट्यूब के साथ स्टडी करता हूँ और मेरी किराने की दुकान है, वो भी मैं चलाता हूँ। मतलब दुकान और यूट्यूब, स्टडी, तीन चीज़ आप मैनेज करते हो? हाँ, तीन चीज़ में मैनेज। अच्छा, कि दुकान आप अकेले ही चलाते हो? हाँ, मैं अकेले ही चलाता हूँ क्योंकि पापा तो हलवाई का काम करते हैं, जो तो चले जाते हैं, और मम्मी तो चलाती नहीं दुकान। अच्छा, तो थोड़ा सा आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हलवाई का काम करते हैं और मम्मी जो है हाउसवाइफ है। तो अब यार, सबसे ज़्यादा तो आपके पास जो फैमिली कंडीशन होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास आई होगी। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, मतलब छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा भी घर नहीं है। सही बात है। अच्छा, आपको ये सब काम करने के दौरान आपको यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप यूट्यूब पर आ गए? मतलब कि मेरे पास एक भैया थे जो वो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इससे थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। जिससे कि वो पहले क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है यूट्यूब का, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होता है, फिर उससे कुछ अर्निंग होती है। अच्छा, तब आप जाके यूट्यूब पे, मतलब ये देखिए क्या यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, तब जाके आप यूट्यूब पे आए? हाँ। तो जब YouTube स्टार्ट किए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को पड़ी? आपके पास मोबाइल कौन सा था? मेरे पास पहले छोटा सा मोबाइल था, लावा का, जो करीबन 2-3 हज़ार रुपये का मोबाइल था मेरे पास शुरू में, छोटा सा। तो उस मोबाइल से आप YouTube ही बनाते थे या फिर किससे बनाते थे? तो बनी हाँ, वीडियो उससे शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पैसे मिला के थोड़ा बड़ा मोबाइल ख़रीदा, फिर उससे यूट्यूब की शुरुआत की मैंने। तो अभी आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में स्टडी करता हूँ। 11th। आपकी यूट्यूब, आप जब यूट्यूब पे आए तो आपकी वीडियो कितने दिन पे वायरल होना स्टार्ट हुआ था? मैं यूट्यूब पे वैसे तो 2019 से काम कर रहा हूँ, बट ये जो सितंबर था, मतलब जो अभी 2022 में सितंबर से मैंने ये चैनल खोला था, और करीबन 1.5 मंथ बाद इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, मतलब व्यूज़ अच्छे आने लगे, जिससे मैं अभी तक लगातार इस पर काम कर ही रहा हूँ। और अभी आपके चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, इससे पहले का चैनल आप बनाए थे कि नहीं? इससे पहले मेरे 2-3 चैनल थे करीबन, एक स्टडी का चैनल था, एक और दूसरे का वीडियो में पूरा उठा के डाल दिया करता था। मतलब मेरे को उस टाइम पर पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, बट उस पर भी 1000 घंटे 4000 आवर वॉच टाइम मेरे पूरे हुए, तब मेरे को जाकर पता चला कि रिव्यूज़ कंटेंट में आता है ये सिस्टम। फिर मैं अपने वीडियोस वगैरह बना लगा एजुकेशन पे, मेरे करीबन 15 दिन में चैनल भी मोनेटाइज हो गया था और 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए थे। ये बात है। तो जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए आप, तो आपके पिताजी कुछ बोले नहीं? हाँ, थोड़े पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब घर वाले थोड़े बोलते थे कि ये क्या कर रहा है। तो कैसे आप हैंडल करते थे, क्या बताते थे कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या बताते थे? हाँ, पापा तो यूँ बोलते थे पैसे वगैरह तो कुछ नहीं मिलेगा इससे, ये अवार्ड, वैसे मेरे सिल्वर प्ले बटन गोल्डन प्ले बटन आए थे ना, तब उन्होंने ये तो आ जाते हैं,
और पैसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसे बोलते थे वो। बट वो पैसे जब पैसे आए ना तब उनको पता चला कि हाँ कुछ मिलता है। अच्छा, तो हाँ। एक बात बताइए कि देखिए यही होता है, जो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पिताजी को ये लगा हाँ। कि यार ये अवार्ड अवार्ड तो मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन मेन हाँ। मुद्दे की बात है जब पैसा आए तब जरूरी है। अवार्ड अवार्ड तो चलो मिल जाता है, वाली एक बात है, लेकिन पैसा आए वो जरूरी है। तो यही होता है कि देखिए यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ लगता है, जिनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हर कोई यार मेहनत कर रहा है ऑफलाइन में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत एक छोटा अमाउंट कमाते हैं। और एक वीडियो बना के ना किसी की डिग्री की ज़रूरत है, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है, आप 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो ये किसी को विश्वास ही नहीं होता कि हाँ यार ऑनलाइन से भी पैसा इस तरीके से कमाया जा सकता है। आपके पिताजी जो काम करते हैं उनसे महीने में कितना कमा लेते होंगे? महीने में करीबन 30-31 कमा लेते हैं, 30,000 20-30 हज़ार। हाँ 20-30 हज़ार कमा लेते हैं। अच्छा, और आप YouTube से भी कितना कमा लेते होंगे? मैं YouTube से करीबन 30-35 के लगभग कमा लेता हूँ महीने के। अच्छा, और आप YouTube पे काम कितने घंटे करते हो? मैं YouTube पर काम बस 1 घंटा करता हूँ। सोचिए, और फिर स्टडी और दुकान चलाना वो करता हूँ फिर। केवल 1 घंटे काम करके और महीने में मात्र 30 घंटे हुए, 30 घंटे काम करके इन्होंने 30,000 रुपये 35,000 रुपये कमाते हैं ये, मतलब कि 1,000 रुपये घंटा कमाते हैं। और यहीं पर इनके पिताजी ऑफलाइन वर्क करते हैं, वो 4-5 घंटे मेहनत करने के बावजूद उनको मिलता होगा 30,000 रुपये। ये जिन लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको इनसे सीखना चाहिए कि घर बैठ के मुफ्त में सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास मोबाइल है तो उस मोबाइल से पैसा कमाना सीखो। मोबाइल तो ले लोगे पिताजी से 40,000 का, 20,000 का, कमाया किससे? कमाया 1 रुपये नहीं कमाया ना, कमाने में लग जाओ, अपनी उस मोबाइल से कमाने में लग जाओ। जैसे देखिए ये कमाते, केवल 1 घंटे काम कर 30,000 रुपये कमाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, ये सब सीखना चाहिए। आपकी वीडियो वायरल होने का राज क्या है, कैसे आप वीडियो को वायरल करते हो आपके नज़र में? सबसे पहले तो आपको रेगुलर कंटेंजेंसी के साथ काम करना पड़ता है यूट्यूब पर, तब जाके आपकी वीडियो अच्छे खासी प्रमोट करने लगती है। और आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अभी वर्सेस के वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं, तो उन पे आप वीडियो बनाओगे ना ट्रेंडिंग टॉपिक पर, तो आपके जल्दी से वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक लोग फाइंड कैसे करें आपके नज़र अनुसार, मतलब आप कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर नज़र रखते हो? मतलब कि जो अपन शॉर्ट देखते हैं उसके बीच में जो भी वीडियोस आते हैं बार बार, मतलब वही ट्रेंडिंग पर रहते हैं ज़्यादातर। अच्छा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जिस जो भी अमाउंट में आपकी वीडियो जिस टाइप की ज़्यादा दिखे, समझ लो वही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक है, और अपनी वॉइस क्वालिटी को अच्छा करें थोड़ा, जिससे कि, और 3-4 वर्ड शुरू के ऐसे बोले जिससे कि ऑडियंस आपकी वीडियो एंड तक देखे। मतलब आपको स्टार्टिंग में एंगेज कर लेना है। हाँ, जिससे कि आपका व्यू रिटेंशन बढ़ेगा और आपकी वीडियो का वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आप अपनी आवाज को कैसे रिकॉर्ड करते हो, मतलब कि एक साथ में बोलते हो या फिर गैप ले लेके बोलते हो? मतलब मैं एकदम से ही मेरी वॉइस को बोलता हूँ, और मैं माइक से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मतलब अपने जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है मोबाइल का उससे ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ मैं। अच्छा, मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने में। मतलब आप मोबाइल को एक्सटर्नल यूज करते हो, इंटरनल माइक ऐसे लगा के? हाँ। तो जब आप यूट्यूब स्टार्ट किए थे तो आपके पास माइक तो था ही नहीं मेरे हिसाब से? है, माइक तो था ही नहीं, मैं तो इससे ही करता था, मतलब रिकॉर्ड मोबाइल से। आप एक चीज़ बताइए, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं सोर्स वीडियो बनाना चाहता हूँ, माइक नहीं है, मोबाइल नहीं है। आप बताइए कि यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए क्या माइक की ज़रूरत है, केवल सोर्स वीडियो के लिए? नहीं है माइक की ज़रूरत, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ, वो करना चाहे तो अपने मोबाइल से ही बहुत कुछ कर सकता है, अगर ना करना चाहे तो मोबाइल से ही कुछ नहीं कर सकता। सबसे अच्छी क्वालिटी तो ऑडियो रिकॉर्डर से आती है अपने मोबाइल के। यही बात है ना, देखिए क्वालिटी
किसी सोर्सेस में नहीं होती है। ठीक है, आप तो फिर स्कैम वीडियो बनाओ और चीज़ें जरूरी है इम्प्रूव करो, लेकिन आवाज़ आप स्टार्टिंग के दिन में अगर माइक के पैसे नहीं है, माइक नहीं है आपके पास, तो मोबाइल उठाओ, मोबाइल का जो ये माइक होता है ना उसको इस टाइप से लगा कर आप अच्छे से रिकॉर्ड करके बोल सकते हो, बोलने के बाद एडिट कर दीजिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी माइक में क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल माइक थोड़ा सा कम भी है और आपके बोलने का स्टाइल है तो वो कवर हो जाएगा। और वहीं बहुत अच्छा माइक आप लेके बैठे हो, ये ले लिया 8000 का मोबाइल, बोलने का ढंग नहीं है तो क्या कर पाओगे। तो क्वालिटी माइक में नहीं, आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं वीडियो में। आपके भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में कर दो, अगले यूट्यूबर से पूछ लूँगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।